भ्रष्टाचार, पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है, एक बार मोबाइल नंबर और सुन लीजिए 9425308111। आप लोग मेरा करंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, आप मेरा करंट का वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। आप लोग अनेकों फरमाइश कर रहे हैं जिसको एक दिन में तो पूरा मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं प्रयास है कि पूरा करूँ। आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो दे रहा हूँ। मई 2018 में आपकी राशियाँ क्या बोल रही हैं, आज मैं आपको मेष राशि से मीन राशि तक मई 2018 में बहुत छोटे संक्षेप में आपकी राशियों के बारे में बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस सज्जन का मेष राशि है उसके लिए मई 2018 अच्छा है, कार्य में सफलता मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा, शिक्षा में सफलता मिलेगा, रुके कार्य में सफलता मिलेगा। जिस सज्जन का वृषभ राशि है उस सज्जन को मई 2018 में रोजगार का साधन मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा, रुके कार्य में सफलता मिलेगा। जिस व्यक्ति का मिथुन राशि है उस सज्जन के माता पिता से लाभ मिलेगा, माता पिता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, भाई बंधुओं से भी लाभ की प्राप्ति। जिस सज्जन का कर्क राशि है उसको मई 2018 में व्यापार में उन्नति होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, शिक्षा में सफलता होगी। जिस व्यक्ति का सिंह राशि है उस सज्जन को नौकरी के साधन बनेंगे, यात्रा होगी, मानसिक शांति मिलेगी और रोजगार के साधन बनेगा। जिस सज्जन के कन्या राशि है उनके मुकदमा में विजय प्राप्त होगा, दुश्मनों को विजय प्राप्त होगा, यात्रा का योग बनेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। जिस व्यक्ति का तुला राशि है उस सज्जन को शादी विवाह, जिसकी नहीं उसको शादी विवाह करके की संभावना बनेगी, दूर दूर तक भ्रमण का योग बनेगा, मानसिक शांति मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा और कार्य में सफलता मिलेगी। जिस व्यक्ति की वृश्चिक राशि है उसको मई 2018 में स्वास्थ्य में गड़बड़ी, धन की हानि, अकारण धन की हानि, व्यापार में घाटा, नौकरी में उलझन का योग। जिस सज्जन का धनु राशि है उसको मई 2018 में अकारण स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी, अकारण शत्रु पैदा होंगे, अकारण भ्रमण का योग बनेगा और व्यापार में परिश्रम के अनुसार लाभ की प्राप्ति कम होगी। जिस व्यक्ति का मकर राशि है उस सज्जन को शुभ समाचार मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा योग बनेगा, नौकरी वालों को उन्नति का योग बनेगा, स्थानांतरण का योग बनेगा। जिस सज्जन का कुंभ राशि है उन लोगों को शुभ कार्य होंगे, अच्छे लोग से मुलाकात होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा और यात्रा के योग बनेगा। जिस सज्जन का मीन राशि है उस सज्जन के नौकरी में लाभ होगा, बेरोजगार हैं तो नौकरी की प्राप्ति होगी, उद्योगपति हैं तो उद्योग में लाभ होगा, व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा और शुभ कार्य होंगे। दोस्तों संक्षिप्त में मैं मई 2018 में आपकी राशियाँ क्या बोल रही हैं ये मैंने आपको ये छोटा सा वीडियो दिया। विधिवत इससे डिटेल अगर चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9425308 पर संपर्क करें, मैं आपको इससे अधिक भी सहयोग करने का प्रयास करूँगा। इतना कहते हुए ये वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।